जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 12। तो हम क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, और बायोलॉजी में मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, सभी को समझ में भी आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं पॉलिनेशन। ठीक है कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो ये पॉलिनेशन है और पॉलिनेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको अब पढ़ना है पॉलिनेशन। ठीक है कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब आप कहेंगे कि पॉलिनेशन तो मैम हम टेंथ में पढ़ाए हैं, तो बेसिकली आप टेंथ में पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, इसके अलावा जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो पॉलिनेशन कर रहे हैं आपके प्लांट्स या फ्लावर, तो उनमें क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, यहाँ से आपके में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ आपको नहीं पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई फ्लावर किससे, इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर। तो अब बात करते हैं हम किसकी, पॉलिनेशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आखिर पॉलिनेशन होता ही क्या है। ठीक है, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या है आपका, सिंपल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, एक हमने फ्लावर आपका बनाया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक, ये इसके एंथर थे, ये ठीक है, ये पूरा आपका फ्लावर मैंने इस तरीके से आपको समझाया भी था बना के। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे पॉलिनेशन समझाना है, तो पॉलिनेशन क्या है, यहाँ पर आपको बता दिया था किसका फॉर्मेशन हुआ था, पोलन ग्रेन का। समझ गए थे ना कैसे हुआ था पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बने हैं किस में बने हैं, ये क्या है आपका, एंथर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का यहाँ से लेकर और यहाँ पर, ये क्या है आपका, स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना, जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का पार्ट है। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से और स्टिग्मा की सरफेस पर जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक आपका फ्लावर ये है और इसमें से एंथर, दूसरा फ्लावर आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये मींस ये है एंथर और ये है आपका क्या, स्टिग्मा। तो यहां से इससे भी पोलन ग्रेन का इस पर ट्रांसफर होना, ठीक है, किसका आपका, पोलन ग्रेन का, पीजी, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना भी आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। समझ गए होंगे आप पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन का मतलब, ठीक है, चाहे सेम फ्लावर में हो रहा हो चाहे दूसरे फ्लावर में हो रहा हो, लेकिन कहलाएगा वो पॉलिनेशन जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर आपके ट्रांसफर होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं आपका, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो पॉलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, लिख देती हूं मैं यहां पर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा की सरफेस पर ट्रांसफर होना। अब पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। चलिए, तो बेसिकली जो आपका पॉलिनेशन है कितने टाइप का होता है आपका, टू टाइप का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कितने टाइप का है मैं यहां पर लिख देती हूं। देखिए, एक तो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और दूसरा कौन सा था आपका, क्रॉस पॉलिनेशन,
पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है आपका जीनोगेमी, XENOGAMY, जीनोगेमी। और एक और नाम है कौन सा आपका, एलोगेमी, यहां लिख रही हूं एलोगेमी। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को आपका दो अदर नेम से भी जाना जाता है, जीनोगेमी एंड एलोगेमी, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट यू मीन बाय जीनोगेमी या जीनोगेमस फ्लावर को पहचानिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीनोगेमी है ही क्या। ठीक है, वास्तव में क्रॉस पॉलिनेशन को ही आपका क्या कहा जाता है, जीनोगेमी या फिर आपका एलोगेमी। क्या मतलब है अभी समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, और समझने से पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को इस वाले वीडियो को, और आपको चौहान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आई नो आपको समझ आ ही रहा है सारा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आप समझ गए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है आपका, देखिए डेफिनेशन क्या है सेल्फ पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन तो यही है, सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ठीक है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, ठीक है, और उसी फ्लावर की क्या है आपका पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो एक ही फ्लावर का जो आपका पोलन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा की सरफेस पर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जैसे यहां पर आपको मैं दिखाई दे रही हूं, ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है, कैसा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो, आपके प्रेजेंट हो, समझ रहे ना इतनी बात। तो ये आपका स्टिग्मा, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, और यहां पर क्या लगे हैं, एंथर। ठीक, मैं पूरा फ्लावर आपको नहीं बना रही हूं, वही कैलिक्स कॉरोला ये सब होंगे। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर क्या है आपके, पोलन ग्रेन, तो इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कि एक ही फ्लावर पर जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हो, वो कहलाते हैं कि आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें आपका पोलन ग्रेन्स मींस एंथर, इसी का एंथर इसी की स्टिग्मा की सरफेस पर डिपोजिट हो रहा है, तो भी ये क्या कहलाएगा आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर बेटा देखिए एक और वर्ड लिखा है मैंने, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली का मतलब क्या है, ऐसे फ्लावर जो कि आपके क्या हो, जीनो टाइप, उनकी जीन्स कैसी हो, सेम हो। ठीक है, अब जीन्स कैसे सेम हो सकती है, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे कि अपनी बॉडी ही समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से सेल निकालूँ, हाथ में से सेल निकाल रही हूँ या फिर अपने पैर में से सेल निकाल रही हूँ, ठीक है, इन सभी में जो जीन्स हैं, ठीक है, जो डीएनए है वो कैसा होगा, सेम होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, आप कहोगे तो मैडम के हाथ की सेल है, और हाथ की सेल है तो हाथ की सेल होने के कारण उसमें क्या जीन्स अलग हो जाएंगी, नहीं होंगी। अगर बॉडी एक है, अगर ऑर्गेनिज्म एक है, तो उसके अंदर जितनी भी सेल होंगी उन सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो डीएनए कैसा होगा आपका, सिमिलर होगा। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरे हाथ का डीएनए अलग है, मेरे पैर का डीएनए अलग है, मेरे बालों का डीएनए अलग है, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल है उन सेल के अंदर जितना भी डीएनए वो कैसा होता है आपका, सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। इतनी बात समझ गए, अब इधर समझिए कि इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर का मतलब है कि आपका एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, और इस प्लांट में एक यहां पर फ्लावर लगा है, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है,
और यहाँ पर एक फ्लावर लगा है, ये आपका क्या है, इसमें एंथर लगे हुए हैं और इसमें स्टिग्मा है, ठीक है। ये क्या है आपका, मेल फ्लावर है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए फ्लावर कैसे हो गए, अलग अलग फ्लावर है लेकिन प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, कैसा है, सेम प्लांट, और सेम प्लांट है तो इनमें जीन्स कैसे होंगे दोनों फ्लावर के, सेम होंगे, है ना, नेचुरली सेम होंगे, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। तो यहां पर इस मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, वो यहां पर आपके क्या हो जाए, स्टिग्मा की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, तो ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका जो फ्लावर है, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, या फिर जेनेटिकली सिमिलर पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। जैसे कि अगर सेम प्लांट है तो सेम प्लांट में अलग अलग जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर बन रहे हैं उनमें क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, डन है इतना। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, आप बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक, डेफिनेशन समझ ही गए आप सेल्फ पॉलिनेशन की। अब सेल्फ पॉलिनेशन के भी आपके टाइप होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रही हूं अभी। सेल्फ पॉलिनेशन के भी आपके क्या है, टाइप होते हैं, कि कितने टाइप का आपका क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन रफ कर दूं ना, सेल्फ पॉलिनेशन आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक है आपका यहां पर, एक है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और दूसरा है आपका जिटेनोगेमी, ठीक है, एक होता है आपका ऑटोगेमी और एक होता है आपका कौन सा, जिटेनोगेमी, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, ऑटो का मीनिंग क्या है आपका, सेल्फ, जबकि जो आपका जिटेनोगेमस है, ठीक है, जिटेनोगेमी का मतलब होता है आपका नेबर, ठीक, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, जानते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सारे जितने भी वर्ड आएंगे आप आके आपके ग्रीक ही आएंगे, ग्रीक लैंग्वेज के, तो जीके का मतलब है ग्रीक। तो यहां पर आपका ऑटो का मीन्स है आपका सेम, और गेमी का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, मैरिज, ठीक है, और जिटेनो का मतलब क्या होता है, नेबर, नेबर, और गेमी का मतलब क्या होता है आपका, वही मैरिज, ठीक। तो ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दो टाइप की आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है, ऑटो का मीन्स होता है सेमी और सॉरी सेम, और गेमी का मीनिंग होता है आपका मैरिज। आप यहां पर जो ऑटोगेमस फ्लावर है, ऑटोगेमस फ्लावर में क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर, बताया था ना अभी कंडीशन आपको, एक ही फ्लावर के अंदर आपका क्या है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन, ठीक है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, उसी में आपका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, वो क्या है आपका, ऑटोगेमी, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, कोई बाहर से पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर ये स्टिग्मा है और ये आपके क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन्स यहां से जो आपके एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा की सरफेस पर क्या हो रहे हैं, आपके डिपॉजिट हो जा रहे हैं, इसलिए अपने आप हो रहा है ऑटोगेमी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, सेम फ्लावर में, कंडीशन लिखे दे रही हूं, सेम फ्लावर में, हमेशा सेम फ्लावर के अंदर ही होता है क्या आपका, ऑटोगेमी, ठीक है, उसी के स्टिग्मा, उसी के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस पर क्या हो जाएंगे, आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, सही। चलिए, और ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में आपकी एक और बहुत जबरदस्त कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि इसमें कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, बड स्टेज में ही, कली स्टेज में ही क्या कर जाते हैं आपके, पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, मींस वेल एक्सपोज्ड फ्लावर और आपका एंथर और स्टिग्मा नहीं होता, समझ रहे हैं इतनी कहानी। तो ऑटोगेमी क्या है, एक तो सेम फ्लावर में होती है, दूसरा कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों,
बंद है, कली है, ठीक है, कली में ही पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन हो गया, फूल खिला ही नहीं। जब फूल खिलेगा नहीं तो कहां से भंवरे ने खिलाया फूल, भंवरा तो फूल पर ही आता है ना भैया, समझते हो ना, गाना सुनाया भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया जो भी था, है ना। तो क्या है यहां पर, फूल खिला ही नहीं बेटा आपका, और जब फूल नहीं खिला, ठीक है, जब फ्लावरिंग ही नहीं हुई तो उसी के अंदर पॉलिनेशन हो गया, उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया और फ्रूट बन गया, सीड बन गया, जो बनना था बन गया। तो एक कंडीशन ऑटोगेमी में आपकी ये होती है। तो ऑटोगेमी ऑटोगेमी आपकी बेसिकली, ठीक है, ऑटोगेमी बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है, कैस्मोगेमस और क्लाइस्टोगेमस। ठीक, कितने टाइप की होती है ऑटोगेमी, ये आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। ऑटोगेमी कहाँ लिख दूं, यहां लिखते हैं, ठीक है, दो टाइप की है, एक तो है क्लाइस्टोगेमी और दूसरी आपकी कैस्मोगेमी, ठीक है। क्लाइस्टोगेमी और कैस्मोगेमी दो टाइप की आपकी क्या होती है, ऑटोगेमी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी क्लाइस्टोगेमी, क्लाइस्टोगेमी में क्या होता है, जो फ्लावर है, ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर इज नॉट एक्सपोज्ड, अभी जस्ट बताया था ना, ठीक है। तो क्लाइस्टोगेमी में क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, खिलते ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका फिग ट्री, फिग समझते हैं, ठीक, अंजीर, और बहुत सारे इसके आपके वायोला, ठीक है, कैमेलिना, कैमेलिना में दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं आपके इस टाइप के। तो क्लाइस्टोगेमी आपकी क्या है, जिसमें स्टिग्मा और एंथर इज नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज नहीं होता। और कैस्मोगेमी क्या होता है, इसमें फ्लावर फ्लावर इज वेल एक्सपोज्ड, ठीक है, इसमें फूल पूरी तरीके से खिल जाता है, समझ गए। तो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी सेम फ्लावर के अंदर होती है, और ऑटोगेमी दो टाइप की होती है, एक है क्लाइस्टोगेमी, क्लाइस्टोगेमी में बड, ठीक है, कली में ही आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, फूल खिलता ही नहीं है, स्टिग्मा एंड एंथर इज नॉट एक्सपोज्ड। और जो आपका कैस्मोगेमी है, कैस्मोगेमी में फ्लावर आपका वेल एक्सपोज्ड हो जाता है, फूल खिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे प्लांट हैं जिसमें कुछ फ्लावर आपके क्लाइस्टोगेमस टाइप के होते हैं, कुछ कैस्मोगेमस टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिसमें ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, एक है आपका वायोला, ठीक, वायोला है, वायोला में आपका क्या मिलता है, कैस्मोगेमस और क्लाइस्टोगेमस दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं, और कॉमेलिना, ऑक्सेलिस, ठीक है, ये हैं आपके कॉमेलिना बेंगेलियंसिस, पूरा इसका नेम है, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं तिप्त से, छोटे छोटे से इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो कि बड़े स्टेज में ही पॉलिनेशन कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपोज होके उनमें पॉलिनेशन हो जाता है, बस फ्लावर एक ही रहेगा, डन है इतना। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिटेनोगेमी, जिसे हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।